इंसान भैया आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अपने माँ को देखता है, अपने बहन को देखता है, अपने सासू को देखता है, अपने साली को देखता है, लेकिन अपने घर वाली को नहीं देखता है। लेकिन मैं कैसा भागा हूँ जो आज अपने घर वाली को देखूंगा। विधवा होना, किसी का माँ मर जाता है, बाप मर जाता है, ससुर मर जाता है, सासू मर जाता है, तो विधवा दूसरे औरत को देख लेता है, लेकिन इंसान अपने औरत को नहीं देखता है। अपने हाथों से विधवा बनाया और इसे देखा भी। अब मैं इसके माउंट का सिंदूर धो डालता हूं। नहीं भतीजे, इतना कुछ कीजिए आप, परंतु मेरे सिंदूर मंदु जी। ये तो आपके कर्म का फल है महारानी, ये कलयुग है। और तुलसी बाबा रामायण में भी लिखा है, जस कर हूं तस भोग हूं दाता, जात का है पछताता। महारानी जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो भरना ही पड़ता है। तुम रहो या हम रहे, इस संसार में कर्म प्रधान है। आग तोहरे सुमर के आज आप
आप जाइए, और एक तुलसी की पौधा लगा दीजिए। जिस दिन ये तुलसी का पौधा सूख जाएगा, उस दिन समझ लीजिएगा कि हमारा पति राज दलका में मारा गया। क्यों ऐसे ऐसे बात बोलते हैं? ठीक है, जो आप कहें मैं करती हूँ। ठीक है महारानी, मेरे सर में कफन बांध दो और मैं दलका की ओर प्रस्थान करता हूँ। ठीक है, माता आए रहिए साई मैया, आया मसीहा रापे आता जुड़ेगा सुना लेगे मोचना।
मैं क्या गलती कर बैठी जो ऐसा दिन आ गया माँ। हे माँ मेरी पति दिल जाओ दिल जाओ तुझे रक्षा करना माँ। आए मारे बीमा दे